क्या भाई, आप क्या ये जो कंप्लेंट किया था उसने, उसमें क्या हुई, कार्रवाई हुई कुछ? हमने आरटीओ को लेटर लिख दिया था कुछ। आरटीओ को लेटर लिखने से क्या होगा? आपने पेपर वेपर मंगवाया कुछ कीजिए? वो अभी तो आज सुबह आरटीओ ऑफिस नहीं, गए, वो इस पे इन्होंने पूरे पेपर सहित मंगवाया है मेरा, उसमें तो आप लिखा उनको ऐसी गुंडागिरी क्यों चलने दे रहे हो? वो इसमें 51 फिटनेस के मूल दस्तावेज लिखा हुआ है सहित। आइए आइए करके उसके बाद आरटीओ, जब इनका लेटर गया आरटीओ के पास, तो आरटीओ ने उनको नोटिस दिया है 19/7/22 को। इन्होंने 4/7/2022 को लेटर लिखा था आरटीओ को, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस समय उनको नोटिस दिया। कब आपने कब लेटर लिखा था? ये है मेरा लगा हुआ है, हमने जो फाइल किया है 7/7/2022 को लेटर लिख सात दिया सर। और 7/7/22 से आज 1 साल हो गया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं तो सर, और रिमाइंडर भी लिखा सर हमने। रिमाइंडर के बाद भी अगर नहीं आ रहे तो आप ऐसे में क्या करते हो? फिर क्या करते हो? ऐसे तो आप रातों रात उठा के ले आते हो लोगों को, यहाँ पे क्यों नहीं दस्तावेज जब्त करवा रहे हो? गवर्नमेंट क्यों, संस्था है सर, गवर्नमेंट संस्था है तो उनको भी तो कानून के ऊपर पालन करना चाहिए ना। वो गवर्नमेंट की संस्था है लेकिन वहां तो दादागिरी चल रही है ना। आप लोगों की मारपीट हो रही है, आरटीओ एजेंडा कर रहे हैं, आप लोगों को भी पहुंचते के लिए पापा वहां, पता है मेरे को सब। ये मत समझिए कि हमको आरटीओ ऑफिस और पुलिस का क्या रिलेशन है, नहीं मालूम रहता है। सीरियसली अगर हम पीछे पड़ जाए ना तो 2-4 की नौकरी चली जाएगी। एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कीजिए। सर मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। 2022 से कंप्लेंट है, 19/7/2022 से आज 1 साल हो गया कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा आपका। क्यों नहीं हो रहा? व्हाट वाज योर इंटरेस्ट? किस पॉलिटिकल लीडर का इंटरफेरेंस था क्या? हमको नहीं समझ में आ रहा कि 1-1 साल से प्रोसीडिंग को कैसे डिले की जा रही है। विद इन 10 डेज पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करके आप अपना खुद का एफिडेविट देंगे। मिस्टर वाजपेयी, टेल यस मैम, हिम टू कंप्लाई विद इन 10 डेज, उसके बाद विल हियर दी बेल पिटिशन। यस मैम, आप लोगों ने मजाक बना के रखा है, 1-1 साल से इंक्वायरी नहीं कर रहे हो। पूरा आरटीओ को कॉकस बैठा है क्या आपके ऑफिस में? सब पता है हमको, यहां से रायपुर आते जाते रास्ते में दिखता है आपका आरटीओ ऑफिस और आपका थाना भी दिखता है। इधर आरटीओ ऑफिस है, सामने थाना है ना। हाँ, थोड़ी नहीं कि हम लोग आंख बंद करके चलते। 4 गाड़ियां वहां रहती, 10 गाड़ी आपके थाने के सामने खड़ी रहती है। मिस्टर जी, व्हाट इज योर नेम? मिस्टर रियल चंद्रकर सर। चंद्राकर, आप इस चीज को समझ लीजिए, जी सर, आप शासन की सेवक है, सर मतलब गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। यू आर नॉट द सर्वेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अपनी इस वर्दी है ना, उसकी इज्जत करवा लीजिए, सर नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। तो बता रहा हूं, सर अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वकार नायर। He'll be available in second half. It may kindly be taken in second half. We'll give all the submission regarding that, my lord. मिस्टर वाई ही हैज नॉट अपियर टूडे? My lord, he is at the other court, my lord. वी आर, आई थिंक फॉर हिम दिस इज नॉट अ कोर्ट। Certainly not, my ऑल lord. राइट, आई थिंक दिस इज नॉट अ कोर्ट। ऑल राइट, My lord, not high नो court. नो 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 नो, I am दिस इज नॉट submitting. कोर्ट। लेट हिम रियलाइज दैट आई एम नॉट द कोर्ट। My lord, नाउ that's. आई विल शो हाउ दिस कोर्ट विल एक्ट। प्लीज प्लीज वेट फॉर मी। That is not my submission, my lord. मिस्टर, नेवर रिपीट दिस कोर्ट, दिस सबमिशन बिफोर दिस कोर्ट। My lord, आई एम द लास्ट मैन टू टॉलरेट इन डिसिप्लिन बिहेवियर। I apologize. यू डू यू थिंक आई एम सबॉर्डिनेट टू एनी कोर्ट? My lord, I apologize, my lord. आई डोंट अप्रिशिएट द मैनर द यंग लॉयर्स आर मेकिंग सबमिशन बिफोर दिस कोर्ट। Sincerely apologize, my lord. यू शुड नो हाउ यू आर एड्रेसिंग टू द कोर्ट। डोंट से एनी वर्ड विच टचेज द सेंटिमेंट ऑफ द कोर्ट। आई डोंट अप्रिशिएट द मैनर इन विच पीपल आर एड्रेसिंग टू द कोर्ट। आई एम नॉट सबमिटेड टू एनी बडी। मान, अलग है।